नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बांदा प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने किया वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। मंत्री जेपीएस राठौर ने पारिजात का पौधा लगाकर किया वृहद वृक्षारोपण का शुभारंभ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के साथ बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी और जिलाधिकारी अनुराग पटेल सहित जनपद के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। जनपद में लगभग 52 लाख पौधों का होना है वृक्षारोपण। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर तहसील अंतर्गत मरौली झील से किया गया। आप देख सकते हैं मोदी जी खुद पौधा लगा रहे हैं। आपका पेड़ सूखने नहीं देगा। सर साहब कर रहे हैं ना फोटो, करते रहिएगा। तो इसलिए उसको नहीं काटना चाहिए। अब उसके बाद जब साइंटिफिक रिसर्च हुई, विज्ञान ने रिसर्च की, तो पता चला कि पीपल ये एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो धर्म से जोड़ दिया। अब ये हमारे ऋषि मुनि ये नहीं बता सके कि 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, क्या कर, उसको काटना नहीं चाहिए। आज भी कोई उसको काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इसी तरीके से रमणीक स्थल ये बन गया है रोपण करने। और आपने क्या देखा यहाँ पे? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान, पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें जनपद बांदा में 52,88,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य है। और आज ये 5 जुलाई को 38,51,000 का लक्ष्य तय किया गया। तो आज 38,51,000 वृक्षारोपण हो रहा है और इसको 52,88,000 किया जाना है। तो उसी तरीके से पूरे प्रदेश में 35 करोड़ का लक्ष्य पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार वृक्षों पर, वृक्षारोपण पर ध्यान दे रहे हैं, प्रकृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में किसी प्रकार से प्राकृतिक असंतुलन ना बने, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। मंत्री जी, पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, हर वर्ष लगाए जाते हैं और गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हो जाता है, लेकिन फिर पेड़ जब गिने जाते हैं लास्ट में मई जून में, तो मात्र 500,000 ये स्थिति होती है। ऐसा है कि उसी को लेकर मैंने बोला भी है कि पहले हम वृक्षारोपण अभियान शुरू कर देते थे 5 जून से, तो एक महीने की लंबी गर्मी में वृक्ष बहुत से सूख जाते हैं। अब हम वृक्षारोपण अभियान तब शुरू कर रहे हैं जब बारिश शुरू हो चुकी है, तो 5 जुलाई से शुरू करके अब ज्यादा से ज्यादा ये वृक्ष बचेंगे और हम धीरे धीरे सतत प्रयास करके ये लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष बचें, इसका भी प्रयास होना चाहिए। मंत्री जी, वृक्षारोपण के पूर्व जो तैयारियां की जाती हैं उनमें बहुत सारी खामियां रहती हैं, जैसे गड्ढे बनाए जाते हैं या बोया नालियां बनाई जाती हैं, विभाग द्वारा इन पर सिर्फ खाना पूरी की जाती है। ऐसा उसको लेकर लगातार कोई चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ वो रहती हैं कमियाँ, उनको निरंतर दूर करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने समय को बढ़ाया है, परिस्थिति को समझते हुए 5 जून से 5 जुलाई किया, आगे आने वाले समय में जिस तरीके से पौधे नहीं चल रहे, नहीं कर रहे हैं, तो उन कमियों को भी धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं। मंत्री जी, साल 2007-08। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।